चलो 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 ए बउआ लो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों आज आपका भाई आ चुका फिर से एक नए जगह पे नए कंटेंट के साथ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हम अभी हैं विजय होटल में, और विजय होटल में जो है ना अभी आप भीड़ देख के पता कर सकते हैं कि इस होटल का जो है मटन कितना सेलिंग होता है। वैसे भी विजय होटल आज जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम में। तो हम भी आ चुके हैं विजय होटल का मटन टेस्ट करने के लिए, यहाँ के फूड को रिव्यू करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ के मटन को टेस्ट करते हैं और स्वाद लेते हैं और आप तक यहाँ का टेस्ट पहुँचाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे विजय होटल के ऑनर है मेरे साथ, आप ही है ना विजय जी? आप ही का नाम विजय है? हाँ। ये जो आप मटन शॉप खोले हैं कितने साल पुराना है? 42 साल हो गया मेरे अपने से चलाते हुए। पुराना तो 60 वर्ष पहले का। अच्छा, 60 से भी ज्यादा होता होगा। 60 से भी ज्यादा होता होगा। हाँ। अच्छा, अभी आपके दुकान में इतना ज्यादा भीड़ लगा है मटन खाने के लिए? जी हाँ। ऐसा क्या डालते हैं? क्या डालते हैं क्या, जो मसाला होता है मसाला डालते हैं। कौन सा मसाला डालते हैं? मिर्चा, हल्दी, धनिया, गोलकी, जीरा, यही सब डाल के बना देते हैं। हाँ। फिर भी इतना भीड़ लगता है? हाँ। मतलब आप अपने से बनाते हैं? हाँ। अपने से? हाँ। कितने घंटे तक इस मटन को तैयार करते हैं आप? बस 2 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है बेचने में। 2 घंटा बनाने में, 4 घंटा बेचने में। बस एक दिन में कितना मटन आप सेल करते हैं? वही 30-40 किलो। 30-40 किलो सेल कर लेते हैं? हाँ। वाह। तो इधर आप देख सकते हैं, चलो चलो, अंकल का जो मटन बन के रेडी है। ये अभी ही बना है क्या ये मटन? हाँ। अभी ही बनाया है। हाँ। तो ये देखिए इनका खुला पिटारा मटन का, और मटन का रंगत देखिए कितना गजब का रंगत है। और इसमें जो खुशबू आ रहा है ना, खुशबू पूरा खुल के आ रहा है। ये देखिए रोगन साइड साइड से कितना खतरनाक इसमें रोगन है, और पूरा कढ़ाई जो अभी भरा हुआ है। तो अभी तुरंत ही मटन रेडी हुआ है, और इनको बेचने में सिर्फ 4 घंटा लगता है। इनका ग्रेवी ये देखिए, पूरा ग्रेवी का थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, पूरा जैसा होना चाहिए उस टाइप से है। और अगर पीस की बात करें तो ये देखिए पीस कितना बड़ा बड़ा पीस होता है। ये देखिए पीस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलो क्या बोले अंकल, खा कर चेक कीजिए। अच्छा, आपने खा कर के बताइए लोगों को। हाँ। कि कैसा बनता है? कैसा बनता है? हाँ। आप जो है 40 साल से बना रहे हैं तो अच्छा बनेगा। मैं अपने मुंह से अपना तारीफ नहीं करता हूँ। आप अपने मुंह से अपना तारीफ नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप इतना फेमस हो रहे हैं आजकल? तो फेमस हो रहे हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। क्वालिटी पूरा बरकरार रख रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, इतना महंगी में भी हम मेंटेनेंस रखे हुए हैं। अच्छा, मटन का रेट क्या होता है? मटन का 120 रुपया का 2 पीस होता है। 120 रुपया में 2 पीस? हाँ। इतना सस्ता खिलाते हैं फिर भी बच जाता है? हाँ, 140 में चावल लेके खिलाते हैं। अच्छा, चावल नहीं गुंजाइश पड़ेगा तो 10-20 रुपया बढ़ेगा। बढ़ेगा? हाँ। महंगाई के हिसाब से बढ़ा दीजिएगा ना, तो क्या करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं अंदर में कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए, कम से कम अभी इतना छोटा जगह में जो है कम से कम 30 आदमी बैठ के यहाँ पे खा रहे होंगे मटन चावल। तो हम एक दो कस्टमर से रिव्यू लेते हैं कि आपको यहाँ का मटन कैसा लग रहा है। इधर जो है सर बहुत ही मजे से बैठ के जो मटन और चावल खा रहे हैं क्या जी, कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। ऐसा नहीं ना कि जैसे पहले टेस्ट मिलता था आज वैसा नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, पहले से भी अच्छा मिल रहा है। पहले से भी अच्छा मिल रहा है पूरा। हम तो यहाँ बहुत दिन से खा रहे हैं। बहुत दिन से खा रहे हैं? लगभग कम से कम हो गया होगा 1.5 साल। 10 साल? 1.5 साल। 1.5 साल। इधर आप देख सकते हैं अंकल खा रहे हैं मटन और चावल, कैसा टेस्ट है? टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पूरा जैसा मटन का टेस्ट होना चाहिए उस टाइप से है? उस टाइप से है। ओरिजिनल मटन लग रहा है ना? हाँ, मटन तो ओरिजिनल लग रहा है। मटन ओरिजिनल लग रहा है। कितने दिन से आ रहे हैं खाने के लिए? यहाँ मोटा मोटी 10-12 साल से। 10-12 साल से आ रहे हैं खाने के लिए? अच्छा, मतलब इतना चस्का लग गया विजय होटल का आपको मटन का, पूरा स्वाद जो है हमेशा खींच के आपको यहीं ले आता है? हमेशा हमेशा। टेस्ट अच्छा है पूरा घर के जैसा? हाँ, घर के जैसा। तो चलिए हम अपने लिए भी प्लेट लगवाते हैं। मेरे लिए भी प्लेट लगवा दीजिए, ठीक है? अच्छी बात है, बैठिए। आपका चावल खत्म हो गया? हाय, मिलेगा आपको। मिलेगा? हाँ। मतलब दूसरा कढ़ाई चढ़ा हुआ है? हाँ, चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है। 5 मिनट बैठना पड़ेगा आपको। 5 मिनट बैठना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे लिए प्लेट लग चुका है। ये देखिए, हल्का मात्रा में हम चावल लिए हैं और एक पीस जो है मटन लिए हैं। ये देखिए मटन का रोगन,
कितना खुल के आया ऊपर ऊपर से। हम क्या करेंगे, पहले इसमें चावल पे ग्रेवी डालेंगे। तो ये आ गया अपना ग्रेवी, ये देखिए ये ग्रेवी आ गया। और इसको हम टेस्ट करते हैं पूरा जो है गर्मा गर्म। ये पूरा मटन है, पूरा गर्मा गर्म दिया गया हमको। पूरा जो है सुगंध बहुत खुल के आ रहा है, पूरा लाट टपक रहा है। कब हम ले पहले जल्दी से। स्वाद की बात करें तो स्वाद काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ का स्वाद। पूरा खुल के आ रहा है, जैसा मटन का स्वाद होना चाहिए ना वैसा है। और इसमें जो है हल्का हल्का जो है इलायची का स्वाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अब जो है पीस लेंगे, ये देखिए। और मसाला का जो कम्बिनेशन है ना उसको अच्छे तरीके से पकाया गया है। और मसाला और प्याज का जो कम्बिनेशन है उसमें जो ऐसा नहीं है कि मीठापन आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, पूरा स्वाद खुल के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पीस आ गया हड्डी वाला, ये देखिए, ये देखिए हल्का सा दबाने के बाद जो है ना पूरा हड्डी को छोड़ दे रहा है। इतना ज़्यादा गर्म है कि हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए आ गया इधर पीस, दो पीस आ गया दोस्त, इधर पीस आ गया। हम क्या करेंगे इसको भी टेस्ट करेंगे अच्छा से पका है कि नहीं, जब मुंह में लेते हैं तो अच्छा से घुलता है या नहीं। लाजवाब, पूरा जो है ओरिजिनल मटन लग रहा है खाने में। ऐसा स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस एरिया से हैं, पटना से हैं, तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए यहाँ पे और यहाँ का मटन एक बार टेस्ट करके देखिए। आप एक बार यहाँ का मटन खाइएगा ना तो बार बार आने का मन करेगा। वैसे भी विजय अंकल जो है बहुत ही प्यार से मटन बनाते हैं डेली, इतना प्यार से बनाते हैं कि आज जो है इनके इनका दुकान में आप देख सकते हैं पूरा जो भाड़ा भाड़ा रहता है, आपको वेट भी करना पड़ सकता है यहाँ पे मटन खाने के लिए। तो चलिए हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी से इस प्लेट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ का एड्रेस बता देते हैं, अगर आप यहाँ का मटन टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा पटना, और पटना में अंटा घाट सब्जी मंडी में जो है आपको विजय होटल मिल जाएगा। तो आप यहाँ आके मटन टेस्ट कर सकते हैं।